हेलो फ्रेंड, दिस इज रमेश विश्वकर्मा। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 36 के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया जा रहा है, और ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि ह्यूमन बींग में एक साथ इक्वल स्ट्रेंथ वाले दो डिसिमिलर डिजीज उत्पन्न हो, तो उनमें से जो भी ज्यादा पावरफुल होगा वह दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा। यदि पहले वाला डिजीज ज्यादा पावरफुल होगा तो वह दूसरे डिसिमिलर डिजीज को बॉडी में जगह नहीं लेने देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एक पेशेंट सीवियर क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस पर ऑटोमनल डिसेंट्री या कोई अन्य एपिडेमिक डिजीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल सेकेंड, कैटेलरी के अनुसार जहाँ स्कर्वी फैला हो वहाँ प्लेग का प्रभाव नहीं होता, और इग्जिमा के पेशेंट पर भी प्लेग का कोई प्रभाव नहीं होता। एग्जाम्पल थर्ड, डॉक्टर जेनर के अनुसार रैकेटिस के पेशेंट पर भी वैक्सीनेशन का प्रभाव नहीं होता। एग्जाम्पल फोर, डॉक्टर वॉन हिल्डेब्रांड के अनुसार पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को पर नॉर्मल एपिडेमिक फीवर का अटैक नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।